यूपी मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले तमाम मदरसों की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक संपन्न होंगी। यूपी में यह परीक्षा कुल 595 केंद्रों पर होगी। यूपी मदरसा बोर्ड की इस परीक्षा में 205,860 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो इन परीक्षाओं के लिए कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 5,273 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने मदरसों में होने वाली परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। 11 फरवरी से चलने वाली ये परीक्षाएं 2 मार्च तक की संपन्न होंगी। अगर मदरसा बोर्ड से जुड़े अधिकारियों की बात करें, तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ से ETV भारत के लिए अरसलान समदी।